गरियाबंद जिला मुख्यालय में सीएमएचओ दफ्तर से लगे स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में लगी आगी। आगी लगे ले लाखों के सामान जल की हुई सराख। आधा रात शॉर्ट सर्किट से आगी लगे के आशंका। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के दौरा की पहली आगजनी से उठा थे कई तरह के सवाल। फिल्म शेरशाह में बेस्ट स्क्रीन प्ले लिखे माँ बिलासपुर शहर के संदीप श्रीवास्तव ला दुबई में आईफा अवार्ड से करे गई सम्मानित। एकर पहली बिलासपुर शहर के संदीप श्रीवास्तव 1994 से टीवी सीरियल और फिल्म के क्षेत्र में करे थे काम। मनरेगा कर्मी के समर्थन में उतरीस भाजयुमो। अनिश्चितकालीन आंदोलन और सामूहिक इस्तीफा ऊपर सीएम ऊपर दागिश निशाना। कही मुख्यमंत्री कब इंकर कना करी भेंट मुलाकात। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के 3 दिवसीय प्रस्तावित आंदोलन ला करे गई स्थगित। शासन प्रशासन से बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित करे के बाद आवा थे आघू। किसान नेता राकेश टिकैत घलौ के आंदोलन ले के रायपुर में भरे रही सुनकार। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरआरआई कैबिन कनार डी रेल हुई 2 मालगाड़ी। पटरी के नीचे दौड़े लगी ट्रेन। वैची तार और खंभा हुई क्षतिग्रस्त। हादसा में कई ट्रेन मन हुई प्रभावित। कोरबी चौकी क्षेत्र के मिसिया गांव में नदी किनारे पति पत्नी के एक रस्सी में झूलत हुए मिली लाश। 20 बछर के संतराम धनवार और 24 बछर के करिश्मा धनवार मिसिया के मिली लाश। मृतक पत्नी हा पति ला छोड़ देवर से रचाए रही बिहाव। 15 घंटा ड्यूटी कराए के विरोध और नाइट ड्यूटी अलाउंस चालू करे के मांग लले के रायपुर रेल मंडल के लोको पायलट मन भूखा रही के करी ट्रेन के संचालन। कोल संकट के नाम में ओवर ड्यूटी कराए के लगाई आरोप। पुरुष कोच के व्यवहार के बाद मचे हंगामा के बाद राजधानी के जी रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल करे गई सील। रायपुर नगर निगम और सरस्वती नगर पुलिस मिल के संयुक्त कार्रवाई करत हुए पूल ला 6 से 8 जून तक कर दिए गए सील। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी बोध घाट परियोजना लले के कांकेर ले सीएम भूपेश बघेल के आइस बड़का बयान। सीएम कहिस के जब तक बस्तर के लोगन नहीं होही सहमत तब तक नहीं शुरू करे जाए बोध घाट परियोजना। पंचकुला में चलत खेलो इंडिया गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ के ज्ञानेश्वरी यादव तोड़ी अपने रिकॉर्ड। 164 किलोग्राम वजन उठा के जीती स्वर्ण पदक। हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई के लोगन मन करत विरोध। अही बीच स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव परसा कुलप्लाक के घाट बर्रा जंगल पहुंची और कहीं कोनो भी हालत में जंगल के कटाई नहीं करें दन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के खोडरी वन रेंज में 3 अलग अलग जगह में चंदन लकड़ी के तस्करी की सूचना मिले के बाद मामला में एक्शन लेते हुए पुलिस 3 तस्कर मन रंगे हाथों करी गिरफ्तार। तस्कर मन कनाले 20 लाख ले ज्यादा के चंदन की लकड़ी करे गई बरामद। जसपुर जिला के सुदूर वनांचल खुड़िया क्षेत्र के सन्ना ले हर्रा पाठ तक लगभग 9 किलोमीटर के सड़क पर विधायक विनय भगत के पहल में छत्तीसगढ़ सरकार 12 करोड़ की स्वीकृति करे प्रदान। जेकर बाद क्षेत्र के ग्रामीण मनमा देखे ला मिला थे काफी उत्साह। पर्यावरण दिवस के मौका में अयूब खान स्कूल मछखंडा में एनएसएस के स्वयं सेवा के तत्वाधान में हुई स्वास्थ्य शिविर के आयोजन। सैकड़ों ग्रामीण और विद्यार्थी में शिविर के लिए लाभ। निःशुल्क खून कोलेस्ट्रॉल शुगर के करे गई जांच। कई रोग के रोकथाम के बताई गई उपाय। संचालक इधरी सा धन्यवाद देते हुए आज के जीवन शैली से उपजे चुनौती में स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखे जाए बताई बेहद जरूरी। सिपत थाना परिसर में पर्यावरण दिवस में वृक्षारोपण के हुई आयोजन। कई फलदार और छायादार सहित 50 पौधा के हुई रोपण। ग्लोबल वार्मिंग ले पर्यावरण ला बचाए पर पौधा रोपण ला बताए गए जरूरी। संरक्षण और देखभाल के लही गई संकल्प। आईपीएस विकास कुमार सहित सबको पुलिस विभाग वन विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी मन हुई शामिल। कोरिया जिला के रामगढ़ रेंज स्थित सलगवा खुर्दमा टाइगर के मौत के मामला आए है आगू। टाइगर है जेन भैंसा के करे रही शिकार ओमा जहर डाल के टाइगर ला मारे के बात आवत है आगू। मामला में 2 ग्रामीण ला हिरासत में लेके पूछताछ है जारी। छत्तीसगढ़ में पहली बार पहाड़ी झरना से हुई बिजली उत्पादन के प्रयोग सफल। सामाजिक वैज्ञानिक के कोशिश लाई सरंग। रायगढ़ जिला के सुदूर जंगल में बसे 2 गांव में ग्रामीण मन खुद बनाई बिजली। अब ये गांव के हर घर 5-5 बल्ब के बिजली कनेक्शन देहे के तैयारी। ये बिजली से गांव के स्कूल और आंगनबाड़ी घलोक हो ही रोशन। अब बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके अपन देखत रहा अपन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।